नमस्कार, मैं मैथिली शरण गोप, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। आज आपसे मुखातिब हूं कश्मीर समस्या के लिए। आर वी डूइंग इनफ? क्या हम कश्मीरी पंडितों के घावों पर मरहम लगा रहे हैं? क्या हम उन्हें होलिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं? इसमें मैं कई बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा और पहले ही जो बात रहेगी वो हमारी रहेगी कि हम जिन लोगों के साथ अपराध घटित किया गया है, जिन अपराधों की सूचना रिकॉर्ड पर अवेलेबल है, यदि उनमें अपराध का पंजीयन अब तक नहीं हुआ है तो क्या हमें अपराध का पंजीयन नहीं करना चाहिए? आई फील कि अपराध का पंजीयन हो, उपलब्ध साक्ष्यों और रिकॉर्डेड कॉन्फेशंस के आधार पर उसके जो चक्षुदर्शी गवाह हैं उनके साक्ष्यों के आधार पर जो अभियुक्त अभी जिंदा हैं, कम से कम उनको प्रोसिक्यूट करने की कार्रवाई हमें करना होगी, अन्यथा बाकी सभी कार्रवाइयां सिर्फ वोट बटेरने की राजनीति समझी जाएगी। दूसरा, जो पंडित अपनी जमीन छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं और रोशनी जैसी कुत्सित योजनाओं के तहत उनकी जमीन किसी दूसरे को देखरेख के लिए दे दी गई है, जो दुष्ट लोग इन पंडितों को, इन विचारों को भगाने के लिए दोषी हैं, वह उन्हीं के आधिपत्य में यह जमीन देना हमारी निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। मैं अनुरोध करता हूं कि इन सभी जमीनों को ज्वाइंट वेंचर स्कीम के तहत डेवलप किया जाए, उन्हें कॉमर्शियली डेवलप किया जाए, वहां पर अलग अलग तरीके की चीजें बनाई जाए और उसकी आय का एक हिस्सा वो इन कश्मीरी पंडितों को मिले। उनमें से जो वापस आकर स्वयं इसके मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हों वो मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करें, उन्हें ऑनरशिप का, उनकी प्रोपोर्शनेट ऑनरशिप का भी जो है वो दिया जाए और इस तरीके से जो स्कीम होगी उससे कम वह अपने ही संसाधनों से आय का जरिया बना पाएंगे, उनका फिर से जो है जम्मू एंड कश्मीर की जमीन से लगाव, आधिपत्य और मालकाना जुड़ाव बढ़ेगा और उनमें से जो जो कंफर्टेबल फील करते जाएं, उनको सुरक्षा का पूरा वादा देते हुए जो वहां वापस पहुंचना चाहें उन्हें वापस भी भेजा जाए। मैं इसी भावना के साथ सरकार से आह्वान करता हूं कि उनके द्वारा जो जारी की गई डोमिसाइल पॉलिसी है उसमें इन पंडितों के बारे में विशेष तौर पर जो है उल्लेख किया जाए और इन सभी पंडितों को कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनका डोमिसाइल हक है और वो डोमिसाइल हक उनको दिया जाए, उनको वहां नौकरियां दी जाएं, उनको वहां रिहैबिलिटेट किया जाए, जैसा हमने कहा है कि ज्वाइंट वेंचर के तहत उनको मालकाना हक दिए जाए और जैसे जैसे वो कंफर्टेबल होते हैं, जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो जो है ना वहां पहुंचेंगे। इस जमीन पर जो ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स स्थापित होंगे उससे जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, अन्य जो है भारतीयों को भी वहां पहुंचने का और सेटल करने का अवसर मिलेगा। जिन दुष्टों ने इन कश्मीर पंडितों को कश्मीर से भगाने में भूमिका अदा की है, मेरा राज शासन से अनुरोध है, मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वो सामने आए और उनको रिहैबिलिटेट करने की बजाय दिस विल बी ए मोर पावरफुल
एम्पावरमेंट। एक बार मैं पुनः दोहराता हूं, नंबर वन, डोमिसाइल पॉलिसी में कश्मीरी पंडितों को विशेष तौर पर हक दिए जाएं, नंबर वन। नंबर टू, जो उनकी जमीन है उनसे कंसल्टेशन के साथ ज्वाइंट वेंचर स्कीम के तहत विभिन्न जो है चीजें वहां स्टार्ट की जाएं, जिसमें कश्मीरी पंडितों का ऑनरशिप में प्रोपोर्शनेट हिस्सा रहेगा और इसकी आय का हिस्सा भी उनको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। इनमें से बहुत सारे कश्मीरी पंडित सरकारी सेवाओं में हैं, बहुत सारे लोग विदेश चले गए हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर, दे वुड बी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी आइडियाज एंड डेवलपमेंट टू द कश्मीर। मेरा भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है कि ये जो है शब्दों के द्वारा केवल दिखावी तौर पर जो है कार्रवाई की बजाय हमें ग्राउंड पर बहुत इम्पोर्टेंट कार्रवाइयां करना चाहिए, हमें सीरियस कार्रवाई करना चाहिए और जिसका तत्कालिक लाभ जो है वो कश्मीरी पंडितों को मिलना चाहिए। वहां जो मंदिर हैं उनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, उन मंदिरों पे जो है सभी संसाधन डेवलप करने की आवश्यकता है, उन्हें एक पुनर्जीवित करते हुए भारतीय संस्कृति का जो मूल स्रोत है, क्योंकि हम अपनी पूजा में जम्बू दीप का उल्लेख करते हैं, इसका मतलब है कि भारतवर्ष में कहीं भी पूजा हो रही है वो जम्बू दीप का उसमें उल्लेख जरूर आता है। इस कनेक्शन को हम पुनर्जीवित करें, संस्कृति के जितने भी धरोहर हैं उन्हें अविलंब विकसित किया जाए, प्रॉब्ली इससे हमें देश को, देशवासियों को एक आस्था और एक विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। जिन दुष्टों ने कश्मीरी पंडितों को भगाया है उन्हें कहीं भी सत्ता में भागीदारी नहीं मिलना चाहिए, उनकी जगह जेल में है, उनकी जगह सलाखों के पीछे है, उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के लिए कार्रवाई जितनी जल्दी शुरू हो सकती है उसे हमें करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।